जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं CS 304 का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसकी कोई मेन हेडिंग नहीं है जो हम मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या डिस्कशन हो रहा है। बहरहाल इसको हम जैसे जैसे आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें बताया गया है। नॉर्मली जो इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे दूँगी, इसके बारे में क्लासेस के बारे में बताया जाएगा, क्लासेस के बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा, क्लास की टाइप्स एंड उसके सब टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं इस लेक्चर में आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास कैपेबिलिटी क्या होती है। कैपेबिलिटी मीन्स कोई चीज़ जो हम फंक्शन लिख रहे हैं या जो हम क्या कहते हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, जो परफॉर्म होंगे वो उस क्लास उसके साथ कंपेटेबल है या नहीं है। ये जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं, जो सब क्लासेस हैं, हमारी जो मेन क्लास है, जो हमारी पेरेंट क्लास है, वो उनके साथ कंपेटेबल है या नहीं है। हमारे पास इस क्लास कंपेटेबिलिटी का मतलब ये है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक शेप क्लास है, तो उसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो सर्कल है, लाइन एंड ट्रायंगल है। ऑल थ्री ड्राइव्ड क्लासेस आर बिहेवियरली कंपेटेबल विद बेस क्लास। ठीक है, अब आपको ये लाइन पढ़ने के बाद इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि जो पेरेंट क्लास होती है उसका उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होती है उनका बिहेवियरली कंपेटेबल होना बहुत ज़रूरी है उसकी चाइल्ड क्लासेस के साथ। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। हमारे पास लेट्स से एक फाइल क्लास है, तो हमारे पास ASCII फाइल है, PDF फाइल है एंड PS फाइल है। तो हमारे पास वेयर एवर द फाइल क्लास इज इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ इट्स चाइल्ड क्लास। क्या मतलब, जो पेरेंट क्लास है वो बिहेवियरली कंपेटिबल है आपकी चाइल्ड क्लासेस के साथ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, आपके MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी वेदर इट इज़ ट्रू दैट पेरेंट क्लास शुड बी बिहेवियरली कंपेटेबल विद द चाइल्ड क्लास, सॉरी पेरेंट चाइल्ड क्लासेस आर नॉट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कि ये क्या होता है कि इट इज़ आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, इन जनरल पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी के एक एंटिटी के डिफरेंट फॉर्म होना। फॉर एग्जाम्पल बोथ डायमंड एंड कोल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है जी, हम उप मॉडल में हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, हमारे पास उप मॉडल में पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स ऑब्जेक्ट कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज फॉर सम मैसेज सिमल्टेनियसली, कंसिक्वेंसली सेंडर ऑफ द मैसेज डज नॉट नीड नोट एग्जैक्ट क्लास ऑफ द रिसीवर। ठीक है, द सेंडर सेंड द मैसेज रिसीवर टू प्रिपेट अप्रोप्रिएट मैथड इज कॉल्ड मैथड इज ऑन रिसीवर साइड। ठीक है, लेट्स से पॉलीमॉर्फिज्म में क्या रहा है कि हमारे पास एक शेप क्लास है एंड हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म रिलेशन बना रही है व्यू के साथ, जो हमारे पास उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं लास्ट में नीचे एंड सेम है। हमारे पास एक एडिटर है, इसका जो रिलेशन है वो क्या है, एक फाइल है प्रिंट के साथ एंड जो इसकी चाइल्ड फाइल है वो प्रिंट क्लासेस हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के एडवांटेजेस हम देखेंगे कि मैसेज कैन बी इंटरप्ट इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द रिसीवर्स क्लास। ठीक है, हम आपको जो मैसेज हम सेंड करते हैं हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिसीवर्स क्लास। न्यू क्लासेस कैन बी एडेड विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टेंस मॉडल। पॉलीमॉर्फिज्म की जो एडवांटेज है कि आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर आप एक और क्लास ऐड कर सकते हैं किसी भी टेंशन के बगैर, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर, किसी भी रुकावट के बगैर। ठीक हो गया, लेट से जैसे इसने इस तरह ऐड की हुई है, ये हमारे पास तीन ऑलरेडी क्लासेस थी, चाइल्ड क्लासेस उसने चौथी चाइल्ड क्लास ऐड की है स्क्वायर, तो उसमें कोई इशू नहीं है ऐड क्लास को ऐड करने में। ठीक हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एन एग्जाम्पल, उसने दी हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक हो गया, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस पर वो नीचे हमें सोल्यूशन बताएगा कि हमने कौन कौन सी क्लासेस लेनी है और कौन कौन सी चीज़ें बतानी है। वो क्या कहते हैं, क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहा है पहले, फिर हमारे पास एलिमिनेट कर रहा है जो इररिलेवेंट क्लासेस हैं उनको बाहर निकाल रहा है, फिर क्लासेस को ऐड कर रहा है किस बेस पर, एनालाइज करने के बाद कि कौन सी हमारे जो मॉडल हम तैयार कर रहे हैं इसमें कौन कौन सी क्लासेस का होना लाजमी है। ठीक है, देन हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, शेप है, लाइन है, सर्कल है, ट्राइंगल है, मेनू है, ग्रुप है एंड व्यू है, इनकी बेस पर ये सारे क्लासेस हैं, इनको वो ऐड करेगा। ठीक है, देन हमारे पास जो फाइंडिंग एसोसिएशन क्या करेगा,
उनके डिफरेंट जो स्टेप होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उनके ऑब्जेक्ट के बिटवीन एसोसिएशन फाइंड करेगा कि इनके रिलेशन क्या क्या बन रहे हैं। देन हमारे पास इनके ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उनको ग्रुप करने की कोशिश करेगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं इसमें कह रहा है। ये हम जब भी हम मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो ये हम सारी चीज़ें हमारे एसोसिएशन एंड इसका रिलेशनशिप ये बहुत ज़रूरी होती है, इनको बेहतर रखने के लिए। लेट्स वो हमारे पास एक लाइन एक क्लास है, ठीक है, उसकी जो बिहेवियर्स हैं वो कलर वर्टिकल एंड लेंथ है। हमारे पास सर्कल एक क्लास है, उसको जो बिहेवियर है वो कलर होता है, वर्टिक्स हैं, उसकी रेडियस है, ट्राइंगल है, सेम है। इसी तरह डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसने यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मॉडल से तैयार किया है नेम ग्राफिक एडिटर का। तो ग्राफिक एडिटर में हमारे सबसे पहले जो क्लास रही है मेनू आ रही है, मेन्यू में हमारे क्या क्या है वो व्यू में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। देन हमारे पास उनका जो हमारे हमने पढ़ा था कि डायमंड अनफिल्ड डायमंड वीकर एसोसिएशन होती है, रिलेशन होता है, शेप है, ठीक है। देन ये रिलेट कर रहे हैं हमारे लाइन के साथ, सर्कल के साथ, ट्रायंगल के साथ एंड ग्रुप ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें आपके साथ क्या करें बताई हुई हैं। हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, सेलेक्ट, मूव, रोटेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। अब यही वो सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट ऑपरेशन हैं जो हम डिफरेंट क्लासेस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस बिहेव करती हैं, ठीक है। एंड आई गेस सो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट मॉडल है ये कुछ इस तरह हमारे पास डिज़ाइन होगा ये वाला, ठीक है। डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट चीज़ें इसकी यहाँ से इस तरह क्रिएट होंगी, ठीक है। अब हमारे पास इनहेरिटेंस को आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह चीज़ें क्लास मॉडल या क्लास आपकी जो पेरेंट क्लास हैं या चाइल्ड क्लासेस हैं वो इनहेरिट कर रही हैं डिफरेंट चीज़ों को किस तरह। तो ये वो सारी हम चीज़ें देखते आएंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये वो सारा आपने इसको बैठ कर ख़ुद रीड करना है, ये सारी डायग्राम को आपको ईजिली चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो आई गेस सो ये चैप्टर भी यहाँ तक हो गया है ख़त्म, चैप्टर नंबर 6। तो होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी।